मनीष सिसोदिया के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर, देश छोड़ने पर रोक। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले, खुलेआम घूम रहा हूं, मोदी जी बताएं कहां आऊं। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लॉकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लॉकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा, ये क्या नौटंकी है। मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा। लॉकआउट एक सर्कुलर है जो जांच अधिकारियों की ओर से जारी की जाती है। सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग ना जाए। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी किया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।